अंधविश्वास के चक्कर में पूरे गांव ने कर लिया धर्म परिवर्तन। साल भर के अंदर सैकड़ों लोग हिंदू से बन गए ईसाई। आपको बता दें, बिहार के गया जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह मामला जिले के नगर प्रखंड के नैली पंचायत के बेलवाडीह गांव का है, जहां एक खास जात के लोगों की बस्ती है। इस बस्ती में एक साल पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक लोगों ने ईसाइयों की ओर से आयोजित प्रार्थना सभा में जाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे पूरी बस्ती के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बस्ती में रहने वाले 25 हिंदू परिवारों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया और अब वो लोग इस धर्म का ही पालन कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कि धर्म परिवर्तन की असली वजह क्या थी, तो उसकी मुख्य वजह थी सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास। जी हाँ, दरअसल बीते साल बस्ती में रहने वाली महिला केवला देवी के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बेटे को कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद वो थक चुकी थी। ऐसे में किसी ने उसे बताया कि ईसाई धर्म के एक व्यक्ति हैं, उनके पास चली जाओ, वो आपके बेटे को ठीक कर सकते हैं। फिर वो महिला उस व्यक्ति के पास गई, जिसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग महिला के गाँव पहुँचे और उसके घर में प्रार्थना की और उसके बेटे को चुपके से कुछ दवाइयां दीं, जिससे वह स्वस्थ हो गया। गांव के लोगों को लगा कि सिर्फ प्रार्थना करने से केवला देवी का बेटा ठीक हो गया। ये देख उस बस्ती के अन्य लोगों में भी ईसाई धर्म के प्रति विश्वास बढ़ता गया, जिसके बाद उस गांव के अन्य परिवारों में भी ईसाई धर्म के प्रति रुचि बढ़ गई। लोग अपनी परेशानी को लेकर उनके पास जाने लगे, उनकी परेशानी दूर भी होने लगी, जिससे लोगों का ध्यान ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगा और एक एक कर गांव के सभी लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया और बस्ती के पास स्थित वाजिदपुर गांव में हर रविवार को ईसाई धर्म के लोगों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाने लगा। उसी प्रार्थना सभा में हिंदू से ईसाई बने बस्ती के सभी महिला पुरुष शामिल होने लगे। अंधविश्वास में लोगों का इस तरह से धर्म परिवर्तन कर लेना कहीं न कहीं सरकार की ही विफलता है और इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी और अशिक्षा, जिसकी वजह से लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर अगर आपके मन में भी कोई विचार है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।